Assalamu alaikum, my name is Sinu and welcome back to my YouTube channel. तो आज है मुजैफ और शाहिद का बर्थडे, तो अभी हम लोग शुरू हो गए हैं डेकोरेशन करने के लिए. क्या क्या डेकोरेशन रहते हैं सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. और ये आ गई हमारी, और ये मुजैफ, और ये देखो शाहिद. यहाँ पे चल रहा है डेकोरेशन, तो फटाफट हम लोग करते हैं डेकोरेशन, फिर आप लोगों से मिलते हैं. ये हो रही है हमारे बर्थडे की तैयारी. ये देख सकते हो कितना प्यारा कुछ तो बात चल रही है इन लोगों की, पता नहीं. तो ये है हमारा थीम अकॉर्डिंग टू, ये है हमारा थीम देख सकते हैं आप लोग. अभी तुम्हारी फोटो जाएगी. तो बर्थडे बॉय तो सो गया है, ये भी एक बड़ा बर्थडे बॉय है, तो बर्थडे मैन. हाँ वही तो बॉय, तो पहले भी तो बॉय थे ना तुम, मतलब अभी मैन हो गया हो ना. तो अभी ये देखो क्या पक बलून के पीछे कौन है. डेकोरेशन की तैयारी हमारी हमेशा की ऑल टाइम फेवरेट डेकोरेटर, क्या बोलता है डेकोरेशन डेकोरेशन करते हैं. नहीं नहीं, इज्जत देने की जरूरत नहीं है. वो बता खाली क्या बोलते हैं. आयशा कैटरस को देखो कहाँ चढ़ रही है, खतरों के खिलाड़ी. मतलब पूरा वीडियो स्पॉन्सर है, किसी हर चीज एक ना एक स्पॉन्सर है. तो सबसे पहले तो ये जो बलून और डेकोरेटर का आइटम जितना भी लिया है ना, जैक पैक से लिया है हम लोगों ने. सखवान ब्लॉग आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी. और उन्होंने हमारा काम है ना बहुत आसान कर दिया. मैं आप लोगों को बलून वाली मशीन उन्होंने हमको दे दी है, मतलब बलून फुलाने के लिए. अभी हम लोग उनको रिटर्न कर देंगे. तो ये देखो इतने जल्दी है ना, 15 मिनट में मुझे लग रहा है, 15-20 में, आधा घंटे में मतलब 100 बलून हम लोगों ने पूरे फुका लिए, नहीं तो हाथ से अभी तक पता नहीं क्या होता. तो थैंक यू जखवान भाई, थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स कैसे आप सब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जंपिंग. वाह पूरा थीम के हिसाब से स्पाइडरमैन बन के आया है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह. केक मुझे रिसीव हुआ है इकरा केक की तरफ से, जिसने मुझे पहले भी दिया था केक. और ये केक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना के दिया है, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही केक इकरा ने मुझे बना के दिया. तो थैंक यू सो मच इकरा, इतना एफर्ट्स लगाने के लिए थैंक यू सो. अच्छा,
अरे सीधा लगा बंकर सीधा पूछ लो धीरे धीरे कितना बनाना कितना वीडियो बनाना पड़ेगा नहीं नहीं चालू है चालू है क्या वीडियो जीजू बहुत बेहतर हो रही है ना बहुत बड़ी मिस्ट्री अगर मम्मा अम्मी जाओ अभी बताओ तुमको इन दोनों में से एक ही गिफ्ट लेना है तो कौन सा लोगे मैं तुमको दिखा देती हूँ साइड में केबल ही बना पता नहीं क्यों खड़े हो जा मेरे पास तो वीडियो को ये दो गिफ्ट है मेरे को दो गिफ्ट है एक मुझे दे दो जो लोगे ना वही तुम्हारा रहेगा अच्छा नहीं लोगे वो नहीं रहेगा तुम्हारा रहेगा सोच के लेना अरे वो भी कर सकते हो नहीं सोच के लो सोच के लो नहीं बोल रहे मेरे को पता है अरे कौन सा ले पीछे देख क्या कर रहे हो अपना गिफ्ट खोल रहा है ए अयान अयान ओ माय गॉड आईफोन नीचे हो अरे रियलमी 12 प्रो आराम से खोल रहा है पूरा भरोसा है जीजे को उसमें झोल है झोल है कुछ नहीं झोल हो सकता मैं टाइम लगा दो मन नहीं नहीं उसने गिफ्ट खोल लिया कोई बात नहीं वाह कितनी मस्त गाड़ी है इसमें उसने खोल लिया बताओ गिफ्ट दिखाओ इतनी साइड में बराबर पकड़े थे पास पास थोड़ा बच्चे की बात सुन लो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओपन तो करो ओपन लो मेरे को रुला दे मुझसे पता मैं फोन कर चलो ठीक है
हो मत अभी खुश कैंडल ही हो रहा है सीधा ही निकल रहा मैं रोड पर से पत्थर उठाए सब मेरे को और मैंने बोला वो गिफ्ट वाले उसको पैक कर दो क्या हाँ मेरे हस्बैंड को दे दो अगर इतना खर्चा देते हाँ खोल रही हूँ अरे ये रहा है गिफ्ट ले रहे रुक उसको ही हाथ में रोक खोल ले इसको केक पसंद ही नहीं है ना बेटे मैं खा रहा था अरे अच्छे से आप लोग ने ब्लैक कलर की थीम रखे थे क्या क्या तो मुझे तो बोले ही नहीं थे पहले अच्छा आप लोग की फैमिली थी इधर आ जाए फोटो ले लो उधर पर आ जाओ मुझे फोटो फोटो चलेगी वो है उसका वो है ना ये बटन तो रिवर्स करो चलो पकड़ो रिवर्स कर दे रिवर्स कैसे भाई भाई चलेगी चालू करो चालू करो चार्जर भी वो रेड होगा ना ग्रीन हो जाएगा तो निकाल कर तीन घंटे ज्यादा चार्जिंग क्या है वो दादी ने कितना अच्छा गाड़ी लेके आई है यही बोला दादी को मैं दादी दादी थैंक यू बड़े दादी क्या है मुझे हाय फ्रेंड्स ये क्लिप जब की है तब मैं शाहिद के लिए मोबाइल लेने गई थी और मेरे साथ में कोई नहीं गया था मैं एकदम अकेले गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए तो बस मैं ऐसे ही बैठ के वीडियो बना रही थी और देख रही थी तो फाइनली मैंने एक मोबाइल पसंद किया है अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको फाइनलाइज होने के लिए ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया मुझे यहाँ आके और अभी तक मैंने फ़ोन डिसाइड नहीं किया है चीज़ें बहुत टाइम लगता है अकेले कोई चीज़ लेना है ना बहुत मुश्किल रहता है तो हो गया फाइनल अभी जाते हैं घर पे गिफ्ट तो कल देने वाली हूँ और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा देखते क्या करते कौन सा गिफ्ट लिया आप लोगों को बताते हैं वीडियो तो ये बाद में ही आएगा आप लोग हाय फ्रेंड्स तो ये हो गया था मेरा मोबाइल फाइनलाइज तो मैं यहाँ कर रही थी अनबॉक्सिंग और अकेली थी मैं इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ वीडियो बना लेती हूँ काफ़ी अच्छा मोबाइल था मेरे को बहुत अच्छा लगा अब पता नहीं शाहिद को कैसा लगेगा तो मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ फ़ोन देने के लिए और देखो यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्साइटमेंट भी थी थोड़ा नर्वस भी थी मैं तो मैंने फ़ोन ओपन कर लिया काफ़ी अच्छा फ़ोन है होप्स हो कि शाहिद को भी अच्छा लगे तो बस फ़ोन को भी लेते फटाफट घर पे जाते हैं और उसके बाद में इसको पहले छुपा के रखना पड़ेगा एटलीस्ट एक दिन तक तो कल देना है और ये देख सकते हो फ़ोन खोलने के साथ ही मेरी खुशी कितनी ज़्यादा है
मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फ़ोन परचेस किया शाहिद के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, तो गिफ्ट मैंने ले लिया। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार अकेले मोबाइल ख़रीदा है शाहिद के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मोबाइल में क्या स्पेसिफिकेशन है। थोड़े दिन पहले हम लोग आए थे ना, तो उनको एक फ़ोन बहुत पसंद आया था और उनका फ़ोन है ना बहुत पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्थडे पे यही गिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, पहले इसको पैक तो मैंने करवा लिया, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। हाँ, ऐसे ही विजय सेल से पैक करवा लिया, अभी मैं इसको एक अच्छे से सरप्राइज़ बॉक्स में डालूंगी और दूंगी। तो पहले हम लोग जाते हैं घर पे, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।